तो चलिए दोस्तों, लेके आए हैं सबके लिए एक और जबरदस्त वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं ओप्पो C3 के ब्लैक वेरिएंट का अनबॉक्सिंग, देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन और जानेंगे ये जो डिवाइस है कैसा है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स है जो मैंने ऑर्डर किया था, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो ये है पोको C3 का मेन बॉक्स, अंदर आप देख सकते हैं ये जो ये बिल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो इन सबको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमारे मेन बॉक्स की तरफ। तो ये यहाँ आपको आपको एक रिसाइकलिंग क्या बोलूँ मैं पैकेज के अंदर देखने को मिल जाता है, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और ये है हमारा मेन पोको C3 का बॉक्स जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब जो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने जो सील है इसको पहले ही ब्रेक कर लिया, तो चलिए अब जो इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारा मेन फोन है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैक से जो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, पीछे जो आपको पोको की ब्रांडिंग होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं हम बाकी बॉक्स में क्या क्या कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो यहाँ पे इसका सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो हमें इसके अंदर एक पोको का पेपर देखने को मिल जाता है जो कि यूज़र मैनुअल है। तो इसको देखने के बाद आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड में। उसके बाद बॉक्स में हमें जो यहाँ पे एक 10 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं ये है 10 वॉट का चार्जर पोको की तरफ से। उसके बाद हमें जो यहाँ पे एक माइक्रो USB केबल देखने को मिल जाता है। और केबल की क्वालिटी की बात करें तो ये क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी की केबल आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग मेन फोन की तरफ। तो ये है हमारा मेन फोन, तो आप देख सकते हैं पीछे आप देख सकते हैं ये जो है ये मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था। ये जो ब्लैक कलर है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिलने वाले हैं, 13 मेगापिक्सल, +2 मेगापिक्सल और +2 मेगापिक्सल के। फ्रंट में आपको जो है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और ये जो इसका प्लास्टिक फिल्म है, मैं इसको नहीं रिमूव कर सकता क्योंकि ये जो फ़ोन है ये मेरा नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं जो इसको रिमूव नहीं कर सकता। तो चलिए फिर मैं जो आपको आगे फ़ोन पर सेटअप करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके होम स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो इस फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैं जो इसका ब्राइटनेस पूरा फुल कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। इसमें जो है आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। अब हम लोग सेटिंग्स में जाकर देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर अबाउट फ़ोन में जाता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12 देखने को मिलता है। इसका जो MIUI वर्जन है वो है 12.0.3.0। इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है। और ये जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल है ये जो है आपको अक्टूबर के महीने का देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे जो कैमरा क्वालिटी वो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा इसके प्राइसिंग के हिसाब से, जो कि है 7000 रुपीज़। अभी जो यहाँ पे आपको जो सेल है उसमें ये जो फ़ोन है बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो है यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल्स कैप्चर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जो है वो जो सारे कैमरा सैंपल्स हैं वो जो आपको आपकी स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पे कैमरा में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे प्रो मोड देखने को मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो मोड देखने को मिलता है, फिर फोटो मोड, फिर पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पे आपको जो है फिर मोर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे कि आपको टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो और एडिट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे फोटो में जाने के बाद आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ्लैश लाइट, HDR, AI मोड, सीन डिटेक्शन, गूगल लेंस। और यहाँ पे जैसे आप ये 3 लाइन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो यहाँ पे मैक्रो मोड को भी देख सकते हैं। तो मैक्रो मोड में मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल शॉट लेके दिखा देता हूँ।
तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो ये जो फोन है इसमें आपको मीडियाटेक का G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 5 मेगापिक्सल का। स्क्रीन साइज की बात करें तो इसका जो स्क्रीन साइज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 6.53 इंचेस का HD+ वाला डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है वो बहुत इमर्सिव है अपने प्राइसिंग के हिसाब से। चलिए बात करते हैं इस फोन के पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो ऊपर यहाँ पे जो है आपको 3.5mm जैक देखने को मिलता है, राइट हैंड साइड में आपको जो है यहाँ पे पावर अनलॉक बटन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम लॉकर्स देखने को मिलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट, सेकेंडरी माइक्रोफोन और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको जो है सिम ट्रे देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका जो सिम ट्रे है वो कैसा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो है डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है इस सिम स्लॉट में, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो यही थे इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में। तो चलिए अब इसका मल्टीमीडिया कंटेंट कैसा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, चलिए दोस्तों हम लोग जो इसका मल्टीमीडिया टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको साउंड प्ले करके सुना देता हूँ। दोस्तों कंटेंट के हिसाब से ये जो डिस्प्ले है बहुत ज्यादा इमर्सिव होने वाला है, क्योंकि आपको जो इसमें H2H जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, और जो साउंड क्वालिटी वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी इसके प्राइसिंग के हिसाब से। हालांकि मैं इसको उतना हाई लेवल का नहीं बोल सकता, फिर भी एवरेज साउंड में इसको बोल सकता हूँ उसके प्राइसिंग के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की। तो यहाँ पे मैं जो अपना फेस डेटा ऐड करके देख लेता हूँ ये कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 सेकंड वेट करना है। दोस्तों मैंने जो अपना फेस डेटा वो रजिस्टर कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ ये जो फेस डेटा ये कैसे वर्क करता है। चलिए दोस्तों आप जिसको ऑन करते हैं और फेस डेटा को ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जो डिवाइस को ऑन किया और मैं जैसे ही इसकी तरफ देखता हूँ ये जो है अनलॉक हो चुका है। ये मैं इतना फास्ट आपको नहीं बोल सकता, बट फिर भी अगर आपको ये जो एक सेकेंडरी ऑप्शन की तरह यूज करना है तो आप जो इस फेस अनलॉक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फोन है आपको आउट ऑफ द बॉक्स इसमें जो है वाईफाई कॉलिंग और वाईफाई 5 को भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, और इसमें आपको जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.2 देखने को मिलता है। इसमें आपको LPDDR4X और जो स्टोरेज टाइप है वो यहाँ पे आपको eMMC देखने को मिलती है, बट अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जो रैम टाइप है वो 4X वाली देखने को मिलती है। सो रैम टाइप के मामले में ये जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो दोस्तों बस यही मेरे कुछ ओपिनियन थे इस पोको C3 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देख लें, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।